हेलो एवरीवन। तो आज मैं लंच में लौकी की सब्जी बना रही हूँ। वैसे तो अमूमन सभी के घर में लौकी बनती है, लेकिन बच्चे और घर के लोग इतने शौक से खाते नहीं हैं, तो थोड़ी डिफरेंट स्टाइल में मैं आपको लौकी बता रही हूँ। मैंने एक लौकी ली है, उसको अच्छे से वॉश किया है। वॉश करने के बाद उसका छिलका उतार के और उसको इस तरीके से कट कर लिया है। ये देखिए, इसमें से मैंने बीज का पार्ट अलग नहीं किया है, क्योंकि ये सॉफ्ट था। अगर बड़े बीज होते तो वो अलग कर लीजिए। ये मैंने इस तरह से पीसेस करके इसको रखा है। फिर मैंने एक अलग बॉल में दही 2 टेबल स्पून दही लिया है। इसमें मैंने एक टी स्पून जो तंदूरी मसाला होता है वो डाला है। 1/2 टी स्पून मैंने इसमें सॉल्ट लिया है। 1/2 टी स्पून मैंने इसमें रेड चिली पाउडर लिया है और थोड़ा सा मैंने हल्दी पाउडर लिया है। इसके साथ ही मैंने जो भुना हुआ पिसा जीरा रहता है वो 1/2 टी स्पून मैं इसमें ले रही हूँ। ये सब लेने के बाद मैं इसको अच्छे से मिला लेती हूँ। इसको मिलाने के बाद ये सारे जो पीसेस हैं वो मैं इस मसाले में डाल देती हूँ। देखिए, ये पीसेस डालने के बाद इनको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ मैं। दही के मसाले में सब अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। इनको मिक्स करने के बाद मैं अलग 10 मिनट इनको ऐसे ही रखूंगी और फिर अपना जो मसाला है वो तैयार करूंगी। ये देखिए, ये सब अच्छे से मिल गया है। इसमें हरा धनिया नहीं है, अगर थोड़ा सा हरा धनिया भी इस मैरिनेशन में डालते तो ये और अच्छा लगता। ये मेरा पूरा मसाला इस पर मिल गया है। इसको मैं साइड कर देती हूँ मैं। और अब मैंने कुकर लिया है ये रोटी बनाने के लिए, क्योंकि इसको गलाने के लिए थोड़ी सी भाप देनी पड़ेगी। तो मैंने कुकर में 1 टेबल स्पून ऑयल डाला है। ऑयल में मैं जीरा 1/2 टी स्पून मैंने इसमें जीरा डाला है। जीरा डालने के बाद मैंने बिल्कुल बारीक महीन कटे हुए प्याज जो हैं वो मैं इसमें डाल दूंगी। ये इस तरह से मैंने, जब प्याज मेरे थोड़े से लाल हो जाएंगे तो मैं उसमें 2 टेबल स्पून मैंने टमाटो प्यूरी बना के रखी है ऑलरेडी। अगर आपके पास प्यूरी नहीं है तो आप 2 टमाटो बारीक काट के और इसमें ऐड कर दीजिए। ये देखिए, इस तरीके से मैंने ये 2 टेबल स्पून टमाटो प्यूरी इसमें डाली है मैंने। मैं 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, ये मेरा बना हुआ है, 1 टीस्पून में लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डाल दूंगी। इसको अच्छे से मिलाऊंगी मैं। फिर इसमें सारे सूखे मसाले मैं ऐड करूंगी। धनिया पाउडर 1 टीस्पून, एक टी स्पून मिर्ची पाउडर, ये छोटा है मेरा स्पून इसलिए ये, और आप टेस्ट के मुताबिक आपके नमक इसमें ऐड कर दीजिए। आप ध्यान रखिएगा कि हमने जो लौकी को मैरिनेट किया है उसमें भी हमने नमक और सारे मसाले डाले हैं, और ये 1/2 टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर डाला है। इसके साथ ही मेरे पास एक मसाला और है, ये मैं बना के रखती हूँ। इसमें जीरा, राई, अजवान, सौंफ, मेथी दाना, सारे मसालों को मैंने पीस के इस तरीके से पाउडर बना के रखा। ये कोई भी सब्जी में हम डालते हैं तो इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो 1 टीस्पून ये वाला मसाला मैंने ऐड कर दिया है। अब ये मेरा मसाला इधर भुन रहा है, इसको मैं अच्छे से भुनती रहूँगी। और मेरी जो ये लौकी है इसको मैं एयर फ्रायर में डाल के करूँगी। आपके पास अगर एयर फ्रायर नहीं है तो आप कोई सा भी नॉन स्टिक पैन लेकर उस पर हल्का सा तेल लगाकर और ये सारी लौकी को रख के शेलो फ्राई जैसा कर लीजिए। मैं थोड़ा सा ऑयल भी इसमें ऐड कर देती हूँ कि उसमें लगेगा नहीं। अब मैं मसाला इस तरह से भून रहा है और मसाला भून रहा है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसको भूनती रहूँगी। और ये जो मैंने लौकी को मैरिनेट किया था इसको मैं एयर फ्रायर में डाल रही हूँ। अगर आप एयर फ्रायर नहीं है तो आप उसको कोई से भी नॉन स्टिक पैन में ऑयल डालकर और आप कर सकते हैं। जैसे कि मेरा ये एयर फ्रायर है और मैंने इसको प्री हीट कर दिया है,
10 मिनट के लिए लगाया है और इसके अंदर में पूरी है। मैंने पूरी लौकी इसमें एक साथ डाल दी है, देखिए इस तरीके से इसको मैं करके और 10 मिनट के लिए इसको एक बार खोल के मैं हिला लूँगी। 10 मिनट के लिए मैं इसको बंद कर देती हूँ। जब 5 मिनट हो जाएंगे तो मैं इसको एक बार ओपन करके देख लूँगी। तो ये 10 मिनट के लिए हो रही है। इधर तो ये मैंने जो एयर फ्रायर में की थे लौकी के पीसेस वो मेरे हो गए हैं ये, और इधर मेरा मसाला भून चुका है तो मैं इसमें ये सारे लौकी के पीस ऐड कर देती हूँ। और इस तरीके से, और इसमें अभी थोड़ा सा ये पूरी तरह गले नहीं है तो इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट मैं इसका ढक्कन लगाकर कुकर का और स्टीम में रखूँगी तो ये पूरी तरह गल जाएंगे। तो मैं एक 5 मिनट तक इसको करती हूँ स्टीम में, देन मैं आपको बताती हूँ इसका फाइनल। थी वो मेरी हो गई है, उसको मैंने इस मसाले में डाल के 5 मिनट प्रेशर दिया है। अब देखिए ये मेरी लौकी भी गल गई है और ये भून के रेडी है। अब मैंने पहले से इस तरीके के प्याज काट के रखे थे वो मैं इसमें डाल रही हूँ, और ये शिमला मिर्च है, शिमला मिर्च डाली, और मैंने 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर इसमें डाल के इसको अच्छे से मैंने मिला दिया। ये हमारी लौकी की सब्जी तैयार है, इसको मैं डिश में निकाल देती हूँ।